हम लोग यहाँ पे 16 लोग हैं, हम 72 घंटे से फंसे हुए थे रोड में, किलोंग के आगे जगह है थी रोड, वहाँ पर दोनों साइड के ब्रिज टूट गए हैं और हमारे साथ लेडीज, छोटे बच्चे, 6-7 महीने का छोटा बच्चा है और सीनियर सिटीजन भी हैं। किसी के पास में भी थायराइड, बीपी, अस्थमा, जिसके भी मरीज है, कोई भी मेडिसिन नहीं हमारे पास में। छोटे बच्चे के कपड़े हम कैरी नहीं कर रहे, उसको लूज मोशन लगे हुए हैं, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वैक्सीनेशन वगैरह सब ड्यू है उसकी। हम लोग बहुत प्रॉब्लम में है। यहाँ पे लोकल लोग हमारी हेल्प कर रहे हैं, खाना वगैरह हमें दे रहे हैं, एक शेल्टर भी प्रोवाइड हो गया है, पर वो बेयर मिनिमम नेसेसिटी है। वो सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हम एक जोड़ी कपड़े में जो आए थे बस उसी में रह रहे हैं 3 दिन से। इन्फेक्शन हो गई हैं हमको, लेडीज को भी हो गई हैं। बेसिक मतलब मंथली साइकिल सबके चल रहे हैं, कोई फैसिलिटी हम लोगों को अवेलेबल नहीं है। छोटा बच्चे के रैशेज हुए हुए हैं, उसके कपड़े हमारे पास अवेलेबल नहीं है। सिर्फ हमें दो टाइम का खाना मिल रहा है और हम मतलब बच्चा परेशान है। हम लोग बहुत दिन से फंसे हुए हैं। हम गवर्नमेंट से ना ये अपील करते हैं कि प्लीज हमें यहाँ से इवैक्यूएट कर लो,